और क्या हाल है भाइयों, ये स्कोडा की लोरा गाड़ी है, ठीक है। और ये इसमें क्या हो रहा है, मतलब इसके फैन डायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक। इसने बंदों ने सर्विस वर्विस करी है, तो इसका पंखा उनका उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया। इन पे समझ में नहीं आया तो मैंने स्कैन किया है। स्कैन करने के बाद आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम और फॉल्ट कहाँ है और क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है। पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम है। चेक लाइट ऑन है, पंखा रेगुलर ऑन है, इतनी स्पीड हो रही है, मतलब क्या कहना। आपको स्कैन करके दिखाते हैं, हम पहले स्कैन करेंगे इसको। मैंने स्कैन तो किया है, फॉल्ट भी बताते हैं आपको। कूलेंट टेम्परेचर 20, एयर मास्क हटा है, कूलेंट इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 2, सर्किट हाई। इसका वायर की दिक्कत है या फिर टेम्परेचर सेंसर ख़राब है। लाइव डेटा चेक कराता हूँ आपको। हाँ, देख सकते हो आप, ये ठीक है। इसमें 3 सेंसर होते हैं, जो आउट लाइन वाला होगा वो खराब हो सकता है, वही ख़राब होता है। ये रहा कूलेंट टेम्परेचर रेडिएटर आउटपुट स्पेसिफिक ही वैल्यू, ये ठीक दिखा रहा है। ऊपर वाला देखो, टेम्परेचर कूलेंट टेम्परेचर है रेडिएटर आउट, ये रहा माइनस में दिखा रहा है। वायरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वक्की मैंने चेक किया है, आपको चेक करा। पकड़े एक मिनट, वीडियो पकड़े मोबाइल। इसको मैंने रखा है वोल्टेज पे, ठीक है। इसका हम वोल्टेज चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वाला सेंसर है, ये वो मैंने चेक तो कर लिया, बाकी वीडियो बनानी थी, मुझे पहुँचनी चाहिए आप तक के प्रॉब्लम क्या क्या आती है। वैसे वहाँ मीटर भी दिखाओ, बस पहले नंबर का वायर देखते हैं पीला, ठीक है जी। मैंने पकड़ लिया उसको, यहाँ अर्थ देना है, वहाँ देखो, देखो जी ये लगा है, अर्थ भी लगा है, ये जीरो दिखा रहा है, आप जीरो ना दिखाना जी। चलो आपको दूसरे दिखाया, दूसरे वायर पे कंटिन्यूटी पे सेट करना है, ये दूसरा वायर है इसका, दूसरे वायर पे इसको चेक करना है, ये बीप देगा। देखो बीप दिया, ठीक है, यानी कि ये ओके है। ये वोल्टेज पे चेक होगा, वोल्टेज इसमें वायर में आने रही, वो भी पीले वायर में। ये मैंने चेक किया है पहले से ही, ये चेक किया है मैंने पहले से ही। आपको फॉल्ट दिखाते हैं, ये फॉल्ट कहाँ है देखो, वहाँ से वायरिंग है, नीचे से आई है, ये नीचे से ऐसे 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 इस वायरिंग में अटैच है, ठीक है। ये वायरिंग आई है तुम्हारी यहाँ से, ये आके हमने ये यहाँ आई है, ठीक है जी। मैंने पहले से चेक किया हूँ इसकी, ये वायरिंग है देखो वहाँ पीला और ग्रे कलर का, इधर भी देखो पीला और ग्रे कलर का, ठीक है। अब यहाँ दिखाता हूँ आपको कि क्या वोल्टेज आती है। लो, जो पीला वायर है उसे हम वोल्टेज पे चेक करेंगे, वोल्टेज अपना लगा रखा है, पीला वायर में चेक करता हूँ। यहाँ देखो पीला, ये रहा पीला वायर, ठीक है, थोड़ा नज़दीक कर ले, बस ये पीला वायर लग गया, ठीक है। अब मैं अर्थ देखता हूँ, लगाने इसमें लग गया, ठीक है।
कवर देता हूँ, ये दिखा रहा है 10। स्विच ऑन करके आ जल्दी, सब ऑन कर दो। 10 ना देखो 5 वोल्ट पूरा दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से ठीक है वायर वो, और वहाँ वो टूटा है कहीं, टूट गया। और जो ये हमारा घरे सा कलर है, ये क्या होता है, ये कंटिन्यूटी मोड पे दिखाएगा, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सोल्व होता है नहीं फैन, इसको मैं वहाँ से वायर डाल लूँगा, ठीक है। लो जी भाई जी, वायरिंग चेक करके मैंने वायर वहाँ से यहाँ डाल दी, ठीक है। पीला ख़राब था, पीले में डाल दिया। जो ये वाला पीला है यहाँ से कहीं से कट है वो, और इसके लिए सारी वायरिंग कालनी पड़ती बाहर, मैंने फ़िलहाल इसको यहाँ से डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से पीला वायर जोड़ रखा, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ कि फॉल्ट सोल्व हुआ नहीं, सोल्व तो हो गए। इग्निशन ऑन, कूलेंट टेम्परेचर, ये दोनों इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 2 पासिव, यानी कि सोल्व हो चुके हैं। इनको क्लियर करके देख करता हूँ, पहले क्लियर भी नहीं हो रहे थे मैं नॉर्मल। आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, एक कोड आएगा अभी, एयर फिल्टर हटाया इसका, करियो इसको बंद। गाड़ी स्टार्ट है, अपने फैन ऑफ, कपलर लग रहा है, कार भी लग रही है, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कोड बना रहा है या नहीं। इंजन ऑफ, इग्निशन ऑन, एयर मास्क आ रहे हैं ओनली, यानी कि हमारा फॉल्ट सोल्व हो चुका है, ठीक है सर, थैंक यू।